10 साल में बंगाल को बर्बाद किया कि नहीं किया? और अब देखो आज दीदी 10 अंगीकार की बात कर रही है, 10 अंगीकार। अरे दीदी, बंगाल के लोगों ने आपको 10 साल सेवा का अवसर दिया था, लेकिन आपने उन्हें लूट मार से भरे 10 साल दिए। आपने उन्हें 10 साल का भ्रष्टाचार दिया, आपने उन्हें 10 साल का कुशासन दिया। साथियों, आप मुझे बताइए, यहां केंदू पत्ता बेचने के लिए भी कट मनी देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? कट मनी देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है? आदिवासियों को भी देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है? गरीब को भी देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है? मजदूर को भी देना पड़ता है नहीं पड़ता है? बंगाल में ये कट मनी का सिस्टम बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बर्बादी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? साथियों, आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा, कल रात को 50-55 मिनट के लिए व्हाट्सएप डाउन हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया, लोग अधीर हो गए, चिंता में पड़ गए, सबके मन में सवाल खड़े हो गए। 50-55 मिनट के लिए हुआ था, लेकिन सबको हो रहा था क्या हो गया? लेकिन भाइयों बहनों, दुनिया में तो 50-55 मिनट ये सोशल मीडिया की कुछ चीजें डाउन हो गई, यहां बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है, विश्वास ही डाउन हो गया है, सपने ही डाउन हो गए हैं, संकल्प भी डाउन हो गए हैं। मैं आपकी अधीरता समझ सकता हूं। भाइयों और बहनों, पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और अब टीएमसी ने बंगाल के विकास को अवरुद्ध करके रखा है। दीदी का भी ट्रैक रिकॉर्ड दलित आदिवासी पिछड़ों का हक छीनना, दलितों का हक छीन लेना, आदिवासियों का हक छीन लेना, पिछड़ों का हक छीन लेना, गरीबों का हक छीन लेना और वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते रहना, यही इनका खेल चला है। दीदी ने बंगाल के युवाओं के, यहां की युवा पीढ़ी के बहुत कीमती 10 साल छीन लिए हैं। दीदीर पार्टी होच्छे निर्ममतार पाठशाला, दीदीर पाठशाला ते सिलेबस होच्छे तोलाबाजी, दीदीर पाठशाला ते सिलेबस होच्छे कटमनी, दीदीर पाठशाला ते सिलेबस होच्छे सिंडिकेट, दीदीर पाठशाला उत्पीड़न ट्रेनिंग देवा होए आराजोको तो ट्रेनिंग देवा होए। साथियों, आज पश्चिम बंगाल में
शिक्षा की क्या स्थिति है, एक खड़गपुर के लोग बहुत भली भांति जानते हैं। शिक्षक भर्ती के नाम पर यहां का युवा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। भर्तियों के लिए जो बोर्ड, जो कमीशन बनाए गए, उन्हें भी टीएमसी काडर के हवाले कर दिया गया है। बहनों और भाइयों, शिक्षा को लेकर दीदी और उनकी पार्टी की सोच का एक और उदाहरण आज मैं आपको देता हूं। हमारे देश में 3.5 दशक के बाद, यानी करीब 35 साल के बाद, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में